जिस तरह से देवेंद्र बबली का बयान आया है कि 9 मार्च को जो है वो बैठक होगी, लगातार सरपंच इस बैठक की मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री के साथ एक बार मुलाकात करना चाहते हैं। अब वो मुलाकात का समय 9 मार्च को निर्धारित हुआ है। इस मुलाकात के बाद क्या इस पूरे मुद्दे पर विराम लगेगा या फिर एक नया मोड़ आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है। देखिए, जाहिर तौर पर ई टेंडरिंग के मुद्दे को लेकर जो है वो ना सिर्फ सरपंच जो है वो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि सरपंचों के इस प्रदर्शन के अंदर जो है वो चाहे हम विपक्षी दलों की बात करें या फिर किसान संगठनों की बात करें या फिर अन्य संगठनों की बात करें, वो इस मुद्दे को जो है वो भुनाने की पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले जो है वो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा जो है वो एक ज्ञापन भी सौंपा गया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को, उसमें भी साफ लफ्जों में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लाठीचार्ज जो है वो सरपंचों पर किया गया है उसकी घोर निंदा करते हैं और इसकी जाँच जो है वो करवाई जानी चाहिए। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इसको सॉल्व करने की कोशिश जो है वो सरकार द्वारा लगातार की जा रही है। इससे पहले भी 27 फरवरी को जो है वो पंचायत मंत्री जो के साथ जो है वो सरपंच के 25 प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हुई थी, लेकिन वो बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, वो बैठक बेनतीजा रही। और अब यानी कि 9 मार्च को जो है वो बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुद्दे को जो है वो शांत करने की जिस तरीके की कवायद जो है वो सरकार द्वारा की जा रही, तो उसमें वो सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई जरूर नजर आएगी। जिस तरीके से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो 2 लाख तक जो पावर्स जो सीमित कर दी गई हैं सरपंचों की, उस 2 लाख की जो पावर है, जो 2 लाख की रकम है, उसको बढ़ाकर जो है वो 5 या फिर 10 लाख जो है वो किया जा सकता है, ताकि एक बीच का रास्ता निकाला जा सके और सरपंचों और सरकार के बीच का जो गतिरोध है उसको शांत किया जा सके। तो जाहिर तौर पर 9 मार्च का सभी को इंतजार है। जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहा था, साथ ही साथ अन्य संगठन वो भी इस मुद्दे के ऊपर जो है वो कूद चुके हैं और इसको भुनाने की पुरजोर कोशिश जो है वो की जा रही है। तो सरकार की तरफ से यही कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को जो है वो शांत किया जा सके और कोई बीच का रास्ता जो है, और वो बीच का रास्ता यही हो सकता है कि 2 से 5 या फिर 10 लाख जो है वो सरपंचों की पावर जो है वो की जा सके, ताकि वो अपने स्तर पर ग्रामीण विकास कार्य जो है वो उनको कर सके। जी रवि, जैसे हमने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी सुना, उन्होंने सरपंचों के ऊपर कहा, ई टेंडरिंग को लेकर कहा, साथ ही साथ उन्होंने एसआईटी का भी जिक्र किया कि एसआईटी भी बना रखी है लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। क्या ये एसआईटी का जिक्र संदीप सिंह के रेफरेंस पर था? देखिए, जाहिर तौर पर संदीप सिंह मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय मान ने साफ कह दिया है कि संदीप सिंह को जिस तरीके से जो उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों की जांच जो है वो एसआईटी द्वारा ही की जाती है। जब एसआईटी की जांच में तभी ट्रांसपेरेंसी आ सकती है और तभी ईमानदारी आ सकती है जब मंत्री जो है वो अपना जब मंत्री संदीप सिंह जो है वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। जब तक वो मंत्री बने रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ दबाव जो है वो उनकी तरफ से जरूर डाला जा सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो उनकी तरफ से यही कहा गया था कि एसआईटी पर एसआईटी जो है वो बनाई जाती है, लेकिन हर मामला जो है वो अधर पर लटका हुआ रहता है, चाहे किसी भी मामले की जांच क्यों ना हो। उस जांच एसआईटी की जो एक कंक्रीट रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट जो है वो किसी भी मायने में निकलकर सामने नहीं आ पाती और दोषियों पर किसी तरीके की कार्रवाई जो है वो नहीं होती। तो इस पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय बान ने जो है वो तंज कसते हुए सरकार पर कहा था कि एसआईटी पर एसआईटी का गठन किया जाता है ताकि पूर्ण तरीके से न्यायिक तरीके से जो है वो जांच की जा सके, लेकिन उसका परिणाम जो है वो कुछ भी निकलकर जो है वो नहीं आता। देखना दिलचस्प रहेगा जिस तरीके से, यदि हम अगले दूसरे चरण के बजट सत्र की बात करें तो दूसरे चरण का जो बजट सत्र रहने वाला वो काफी हंगामेदार रहने वाला, चाहे ओपीएस की बात हो, सरपंचों की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, मंत्री संदीप सिंह का मामला हो या फिर अन्य मुद्दे हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो विपक्ष जो है वो सरकार को जरूर घेरता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से अगर हम पहले चरण के बजट सत्र की बात करें तो उस दौरान भी विधानसभा हाईकोर्ट चौक से लेकर विधानसभा तक जो है वो पैदल मार्च किया गया था प्रादेशिक मुद्दों को लेकर, और सदन के अंदर भी हंगामा जो है वो किया गया था मंत्री संदीप सिंह मामले को लेकर। तो इससे भी ज्यादा हंगामा जो है वो इस बार जरूर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से सरपंचों के ऊपर जो है लाठी चार्ज किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, न सिर्फ सरपंचों के ऊपर बल्कि ओपीएस कर्मचारी वर्ग। बिल्कुल, हुआ कि आने वाले बजट सत्र में क्या कुछ देखने को मिलता है और 9 मार्च का इंतजार करना होगा कि 9 मार्च को आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर विराम लगता है या फिर कोई नया मोड़ आता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।